सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसा हैं आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स डिवाइस के बारे में। अब यहाँ पर यूजर के डेली यहाँ पर कमेंट आते हैं कि रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स जो डिवाइस है ना, उसको क्या यहाँ पर हम लोग भूल गए हैं और क्या यहाँ पर Xiaomi भूल गई है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग यहाँ पर वीडियोज है ना वो भी काफी कम आते हैं और यहाँ पर अपडेट है ना वो भी Xiaomi की तरफ से काफी यहाँ पर कम आते हैं। तो इसके पीछे का रीजन है ना गाइस, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको यहाँ पर जो Redmi Note 9 Pro Max जो डिवाइस है ना, इसके अंदर इंडिया में MIUI 13 का और Android 12 का अपडेट है ना वहाँ पर कब तक मिलेगा। और एक गुड न्यूज है, अपडेट है ना वो काफी जल्दी यहाँ पर रिलीज होने वाला है और जो डेट है ना वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रही है, वीडियो को अभी तक मैं आप पर लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 200 लाइक का। सो देखते हैं आप लोग कितना जल्दी इसको यहाँ पर कंप्लीट कर पाते हो। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जैसे इंडिया में अपडेट आएगा Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस के लिए, आप लोगों को अपडेट के रिगार्डिंग जो वीडियो है ना वो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। तो गाइज अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो Redmi Note 9 Pro Max जो डिवाइस है ना, इसका यहाँ पर इंडिया में क्या स्टेटस चल रहा है और MIUI 13 का अपडेट है ना उसका यहाँ पर क्या स्टेटस चल रहा है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि MIUI 13 का अपडेट है वो लगभग सभी डिवाइस के अंदर आ चुका है, चाहे वो Xiaomi का फ्लेक्सी डिवाइस हो जैसे कि MI की सीरीज हो गई, और जो यहाँ पर Redmi के जो यहाँ पर मिड रेंज डिवाइस हो गए जैसे कि यहाँ पर Redmi Note 10 की सीरीज हो गई, Redmi Note 11 की सीरीज हो गई, और जो यहाँ पर Poco X3 Pro हो गया, Poco F3 GT हो गया और Poco X3 GT हो गया। तो अब आप लोगों को डायरेक्ट जो नंबर है ना वो इन्हीं डिवाइस के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि Poco X3, Poco M2 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9, Redmi Note 9 S, इनके लिए आपको अपडेट है ना वहाँ पर जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन कब तक मिलेगा, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अपडेट है ना आप लोगों को यहाँ पर अभी जो डेट है ना वो देखने को मिलती है जून के स्टार्टिंग के लगभग। सो आप लोगों को वेट कर लेना है जुलाई के मंथ का। अब आप लोगों को 25 जुलाई का वेट कर लेना है, 25 जुलाई के आसपास ही आप लोगों को जो अपडेट है ना वो देखने को मिल जाएगा, और इससे पहले पहले अपडेट है ना वो आप लोगों को यहाँ पर कभी भी देखने को मिल सकता है। और ये जो अपडेट है वो आपको ओनली यहाँ पर 1 आवर के लिए देखने को मिलेगा। सो अगर आप लोग 1 आवर के लिए कहीं बिजी हो जाते हो, आपको पता नहीं चल पाता है, तो अपडेट है उसको आप लोग यहाँ पर टोटली मिस कर दोगे। और उसके बाद में आपको जो अपडेट है ना वो या तो आप लोगों को 7 डेज के बाद में या फिर 10 डेज के बाद में देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर अपडेटेड रहना होगा, और अपडेट रहने के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी डिवाइस के लिए अपडेट आ जाता है ना मैं स्क्रीनशॉट के साथ में आपको न्यूज है वो शेयर करता हूँ कि इस डिवाइस के लिए अपडेट आ चुका है, आप लोग यहाँ पर अपडेट है उसको देखिए, और अगर डिवाइस के अंदर अपडेट शो होता है तो अपडेट यहाँ पर कर लेना। इसलिए आपको यहाँ पर जो न्यूज है ना वो इंस्टेंटली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को इसको ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो सहेज सेन, तो आपको ये मिल जाएगा, इसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ पर गाइस ये जो अपडेट है इसकी टोटल साइज है वो आप लोगों को यहाँ पर 2 GB से 2.5 GB के बीच में कितनी भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर मैंने आपको डेट बता दी है 25 जुलाई का, आप लोगों को वेट कर लेना है। अगर इससे पहले कोई भी नया सिक्योरिटी पेच का जो अपडेट है ना वो Xiaomi की तरफ से बीच में यहाँ पर शेयर नहीं किया जाता है तो अपडेट है वो आपको 25 जुलाई को मिल जाएगा। अगर बीच में कोई नया सिक्योरिटी पेच का अपडेट यहाँ पर आ जाता है तो ये आप लोग Xiaomi के यहाँ पर इफेक्ट समझना, मतलब ये बीच में अपडेट दे के जो MIUI 30 का अपडेट है उसको यहाँ पर डिले कर देना। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। अगर बीच में अपडेट नहीं आता है तो अपडेट है वो आपको जुलाई के मंथ के अंदर कंफर्मली मिल जाएगा, क्योंकि बिल्ड नंबर और जितने भी जो आपको यहाँ पर अपडेट की रिकॉर्डिंग जो टेस्टिंग मिलती है ना वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइज आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में इतनी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करनी थी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम चैनल है इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सो गाइज आज की वीडियो बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।